अभी तक की दो बड़ी अपडेट निकल कर आई है यूपी पंचायत चुनाव से। आपको बता दें, यूपी में पेपरलेस पंचायत चुनाव की तैयारी, नामांकन से काउंटिंग तक सब कुछ होगा ऑनलाइन। वहीं एक और दूसरी खबर निकल कर आई है यूपी पंचायत चुनाव। जानिए ग्राम प्रधान के कितने पद किस जाति के लिए हुए रिजर्व, कौन कहां से लड़ सकेगा चुनाव। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि आपको मिल सके पूरी जानकारी, और पंचायत चुनाव की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए डालते हैं एक नज़र आज की खबर पर। यूपी में पंचायत चुनाव में पेपरलेस वर्क कराने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों में कार्य प्रणाली को अधिक से अधिक डिजिटल कराने के निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में भी पेपरलेस वर्क पर जोर दिया जा रहा है। उम्मीदवार नामांकन से लेकर काउंटिंग तक सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों का ऑनलाइन ब्यौरा भी तैयार हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों में कार्यप्रणाली को अधिक से अधिक डिजिटल करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों में भी अधिक से अधिक कामों को पेपरलेस करने की कवायद शुरू कर दी गई है। चुनावों से अधिक अधिकारियों से निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रणाली के सुचारू करने में पेपर का इस्तेमाल कम करें। इसीलिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने से लेकर मतदान केंद्रों तक के ब्यौरे को डिजिटल किया जा रहा है। लॉगिन और पासवर्ड जारी कर तैयार करवाया डेटा। एडीओ पंचायत एसके सिंह ने बताया कि इस बार सभी विभागों को प्रारूप एक जारी कर ऑनलाइन कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई। उसके बाद उन्हें लॉगिन और पासवर्ड दिए गए, जिसके जरिए उन्होंने कर्मचारियों का ब्यौरा फीड कर दिया। करीब 24,500 कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली गई है। इस प्रक्रिया में पेपर कम से कम इस्तेमाल किया गया। नामांकन होते ही फीड हो जाएगा उम्मीदवार का ब्यौरा। पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान उम्मीदवारों का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन करने की तैयारी कर ली गई है। उम्मीदवार एक हार्ड कॉपी के साथ आवेदन करेंगे। नामांकन होते ही उनके ब्यौरे संबंधित वेबसाइट पर डाल दिए जाएगा। उम्मीदवार के बारे में कोई भी शख्स ऑनलाइन जानकारी एकत्रित कर सकेगा। इसके लिए पेपर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रक्रिया रोज पूरी की जाएगी। किस दिन कितने आवेदन हुए, कितने स्वीकृत हुए, कितने निरस्त हुए, इसकी जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी हो गई है। अब लोगों को पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार है। जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख के लिए आरक्षण की लिस्ट आ चुकी है। इस बार ग्राम प्रधानों के पदों के चुनाव में महिलाओं के लिए 333 आरक्षित पद घट गए हैं। 2015 के पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के पद के लिए महिलाओं के लिए कुल 19,992 पद आरक्षित हुए थे। इनमें से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए कुल 132 पद आरक्षित थे। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कुल 4,341 पद आरक्षित हुए थे। अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 9,927 पद आरक्षित हुए थे, जबकि इस बार पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कुल 19,659 पद आरक्षित हुए हैं। इनमें से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 131, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 4,288, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 5,501 और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 9,739 पद आरक्षित किए गए हैं। दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।